जो खाली बड़ा सुंदर ये पिंक वाले से अगला ये सीधी कार्रवाई हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दोस्तों। ये कभी मेरा घर हुआ करता था चाहे पूरा घेर दो। लाइव है बिल्कुल। नितिन भाई आपका घर टूट चुका है, मेरा भी टूट चुका है, हम दोनों इसी मोहल्ले में रहा करते थे और मैं इस समय अपने घर के बाहर हूँ, आपका घर इस समय टूट चुका है। ठीक कर छत छत तोड़ देगा तो इसी बाथरूम है ना, अंदर बाथरूम में गंदा ना। हाँ चीट लगी बचा दिया हैं। लोग यहां पर रो रहे हैं अपना आशियाना टूटने पर। Thank you.
आप देख सकते हैं गोली मार देते लोग, ये तो लोग ऐसे हम जाके देखते हैं। तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ की एक कवायद जो है वो इस समय की गई है। और मासी मान लीजिए एक घंटे बाद बात करना, मैं अभी यहीं हूँ कार्रवाई में ना। हम आपको ये सीधी कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं।
अम्बाला छावनी के सुभाष कॉलोनी में आप इस समय तोड़फोड़ की कार्रवाई जो चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों की आंखें भरी हुई हैं और कहीं ना कहीं आंखें जो हैं वो नम हैं आशियाना अपना टूट जाने से। Thank you.
जी सर एक जी सर, आज ये जो सुभाष लोनी में कार्रवाई की गई है, क्या ये कार्रवाई थी, किन आदेशों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है? देखिए जी, इसके अंदर एक COCP फाइल की गई थी और उसके अंदर जनरल डायरेक्शन थी सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग ऑल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हरियाणा एज वेल, कि एक जनरल कंटेम्प्ट फाइल की जाए। किसी भी कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर एक फाइल कर सकता है, जनरल PIL फाइल की जा सकती है यदि किसी प्रकार से कोई भी इंक्रोचमेंट पाई जाती है नगर निगम की जमीन। उसी की कंप्लायंस के अंदर बार बार इनको नोटिस भी दिए गए, इन्होंने कुछ कागज़ हमें दिखाने की कोशिश की कि भाई इनके पास था, इनका पूरा विचाराधीन था, परंतु इस प्रकार से कोई ये ठोस डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए जिससे कि ये प्रतीत हो कि भाई इनकी ये जो सी कंस्ट्रक्शन है वो लीगल है। उसके बाद इनको बार बार सुनवाई का मौका भी दिया गया और इनको नोटिस भी दिए गए और उसके थ्रू इनको इन्फॉर्म किया गया था कि भाई इस तरीके से अपनी जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है अपने लेवल पर हटा लें। अब 17 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर इसके अंदर इसी केस के अंदर कंटेम्प्ट लगी हुई है जिसके तहत में पूरी कार्रवाई करवाई गई है और कोर्ट के ऑर्डर स्पष्ट थे कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हाईकोर्ट की नहीं चाहिए। उस COCP का हवाला देते हुए वो जनरल हाईकोर्ट ने ऑर्डर करे थे कि फ्यूचर में यदि भी नगर निगम की जमीन पे कोई इंक्रोचमेंट की जाती है तो उसे अज्यूम किया जाए कि वो कंटेंट। उसी के तहत हमने आज ये कार्रवाई करी है और अब आगे एज पर लॉ एक्शन लिया। सर, यूरिनल मैक्सिमम टूट चुके हैं लोगों के, क्या कोई टेम्परेरी प्रबंध यहाँ पर किया जाएगा? जी, अभी मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर को आदेश दे दिए, यहाँ पे एक मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था बहुत ही साथ ही साथ कर दी जाएगी जिससे लोगों को किसी प्रकार की जितनी इन परिस्थितियों में समस्या न आए। बल्कि अब लेकिन यही अनुरोध है कि अपने लेवल पे टॉयलेट्स अपने ही स्ट्रक्चर के अंदर ही कंस्ट्रक्ट करवाएं, गिवन सर्कमस्टेंसेस और कोई चारा नहीं है। लगभग हम भी मजबूर हैं और हमको कार्रवाई नियम अनुसार करनी है। लगभग 60 साल पुरानी एक लोनी है, कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने इनको बनने दिया गया? और एक सुषमा स्वराज का हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने ये जमीन जो है इनके कागजात हमने देखे थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार की नोटिंग शीटें प्रस्तुत की थी कि किसी प्रकार किसी समय इनका पूरा मुद्दा विचाराधीन था कि इनका ये जोन सा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, मगर कोई ऐसा तथ्य नहीं है दिखा पाए जिससे प्रूव हो और स्पष्ट हो कि इस प्रकार का लैंड ट्रांसफर कभी भी किसी प्रकार से नगर निगम की जमीन इनको दी गई। तो इन्हीं परिस्थितियों में ड्यू टू द फैक्ट कि दे वर नॉट एबल टू प्रूव देयर पोजेशन और ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को शो नहीं कर पाए, तो इन्हीं परिस्थितियों में आज ये कार्रवाई की जा रही है। CM विंडोज पे इस तरह की कई कंप्लेंट अम्बाला की पेंडिंग है, मोची मंडी की है, तेली मंडी की है और भी कई जगहों की है, क्या 17 तारीख से पहले उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? हम केस टू केस बेस पे देखते हैं जी, क्योंकि कई सारे इंक्रोचमेंट के मैटर्स हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट और कोर्ट के आदेशों के अनुसार जहाँ जहाँ पे जो भी होता है CM विंडो पे भी हमारे पास कार्रवाई जाएगी। कई माध्यम है जिसके थ्रू अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे कार्य किया जाता है, CM विंडो के माध्यम से कंप्लेंट आती है उसमें भी होता है और कोर्ट की कंप्लायंस में भी होता है और इन जनरल अगर हमारे को कोई कंप्लेंट्स है उसके बेस पे भी हम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटा। आपने जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हटाई, सामने लोगों ने अवैध रूप से थड़े बनाए हुए थे, क्या उनको भी अब हटाया जाएगा? नियमानुसार हम पूरी की पूरी कार्रवाई की जाएगी जहाँ पे भी लीगली हमारा एक्शन।
तो ये थे ज्वाइंट कमिश्नर अंबाला, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो इन लोगों को देंगे। वहीं कार्रवाई जो है वो पूरी कर दी गई है, लेकिन इस समय अगर मैं आपको सुभाष कॉलोनी का हाल दिखाऊं तो कुछ लोग ऊपर ही फंस चुके हैं, ऊपर से नीचे आने की हालत में नहीं है। ये मैं लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बच्चा आप दूध कहाँ से पिएगा। ये जो सीढ़ी है ये घर के ऊपर जाती थी, लेकिन माँ और बच्चा जो है वो ऊपर फंस चुके हैं, नीचे आने का साधन नहीं है। प्रशासन को चाहिए था कि पहले इनको खाली करवाया जाए, इन घरों को रेस्क्यू किया जाए, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाए। लोग आपको मैं दिखाऊं, यूरिनल जो स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है वो यूरिनल्स जो हैं वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। सभी घरों के जो टॉयलेट्स हैं वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, बच्चे ऊपर फंसे हुए हैं। एक अभी हम लोगों ने आपको स्टोरी दिखाई कि किस तरीके से मात्र 3 दिन का बच्चा जो है वो घर में था, उसकी जो सिजेरियन डिलीवरी से वो हुआ था, वहाँ पर भी जो प्रशासन है उसने कुछ भी नरमी नहीं दिखाई और वहाँ पर भी जो तोड़फोड़ की कवायद है उसको किया गया है। तो ये मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जहाँ टॉयलेट्स पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। ये 60 साल पुरानी कॉलोनी है जो 60 साल पहले बसाई गई थी, सुभाष कॉलोनी। ये है एक बड़ा वोट बैंक ये रहा है अनेक राजनीतिक दलों का, और खास तौर पे जो हरियाणा के मंत्री हैं इस समय अंबाला से विधायक हैं उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये उनका गढ़ है। ये जो छोटे क्वार्टर्स के नाम से ये इलाका जाना जाता था सुभाष कॉलोनी का, ये उनका गढ़ माना जाता था, लेकिन आज वो गढ़ जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आप देखिए हर किसी का जो आशियाना जो है वो टूट चुका है, टॉयलेट्स टूट चुके हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि पब्लिक टॉयलेट्स यूज कीजिए और अपने घर के अंदर ही जो टॉयलेट्स हैं वो बनाइए। ये देखिए ये जो सभी टॉयलेट्स हैं ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं। महिलाएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो अब वॉशरूम कहाँ जाएंगी, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और ये देखिए ये वो टॉयलेट है जो बाहर की तरफ ये टॉयलेट बना हुआ था, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ये वो सीट बनी हुई थी, नहाना और जो शौच है वो दोनों यहाँ होता था। सरकार एक तरफ कहती है कि खुले में शौच मत करें, लेकिन प्रशासन ने आज खुद सुभाष कॉलोनी के लोगों को मजबूर कर दिया है कि आप खुले में शौच करें, उनके जो शौच है उनके खुले में शौच करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सभी घरों के जो वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, वो तोड़ दिए गए हैं। ये सभी मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो देखिए ये टॉयलेट है, पानी बर्बाद हो रहा है, टॉयलेट्स टूट गए हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये देखिए टॉयलेट्स यहाँ पूरी तरह से टूट चुके हैं, लोग बाथरूम कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो चुकी है। और ये जो समस्या है ये देखिए ये वॉशरूम था, खुले में क्या शौच जाएंगी अब महिलाएं क्या। ये देखिए ये बाथरूम था जिसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया, ये बाथरूम आज का बना हुआ नहीं है, ये बाथरूम लगभग 40 साल पुराने हैं। मैं आपको जिस तरीके से बताया कि मैं खुद कई बार जो ये कॉलोनी है इसके अंदर मैं खुद इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ के घरों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और टॉयलेट जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। सरकार की जो नीति है कि स्वच्छ शौचालय जो खुले में शौच ना करें, आज उसको कहीं ना कहीं सरकार ने खुद ही ठेंगा दिखाने का काम किया है। हरे भरे पेड़ जो हैं वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, घर जो है वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। ये वो आशियाने हैं जो एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। आप देखिए उम्र के इस पड़ाव के अंदर जो माता जी हैं वो किस तरीके से बाहर खड़ी हैं, और आशियाना जो है वो टूट चुका है, रो रहे हैं, भिलक रहे हैं लोग, बच्चे यहाँ रोने को। ये देखिए ये टॉयलेट जो है ये पूरी तरह से टूट चुका है, अब ऐसे क्या उसकी सीढ़ियाँ ये माता जी चढ़ पाएंगी। ये एक बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर है, और लोगों देखिए सीढ़ियाँ बिल्कुल तोड़ दी गई हैं, अब लोग ऊपर से नीचे कैसे आएंगे ये समस्या है। ये देखिए ऊपर से अब नीचे किस तरह आएंगे ये एक बड़ी समस्या है। सीढ़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, और ये देखिए ये जो है पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि 80 घरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, 80 घर। अब शौच कहाँ जाएंगे इसकी समस्या जो है वो यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। बहुत कम घर हैं जिनके घरों के अंदर शौचालय बने हुए हैं, अधिकांश घरों के अंदर जो ऊपर जाने का रास्ता है वो ख़त्म कर दिया। ये देखिए जो बुज़ुर्गों की मैं बात कर रहा था, अब इस उम्र के इस पड़ाव के अंदर ये बुज़ुर्ग अपने घर में किस तरीके से जाएं, हाथ नीच काम कर रहे हैं, पांव काम नहीं कर रहे हैं, और लोगों की सहायता से उम्र के इस पड़ाव के अंदर जो हैं वो लोगों अपने घरों में किस तरह घुसें। तो मानवता यहाँ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तार तार जो है वो अंबाला नगर निगम द्वारा की गई है। कोई आदेश ऐसे नहीं थे, एक जर्नल जो आदेश है वो खुद ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि वो थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं उनको
इस तरीके से उम्र के इस पड़ाव में, ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में प्रशासन सही कार्रवाई करके गया है, क्या प्रशासन ने जो काम किया वो सही काम था, क्या इस तरह की तबाही जब ये मकान बन रहे थे उस समय प्रशासन कहाँ सो रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर जो विचार करना पड़ेगा कि आखिर उस समय कौन भ्रष्टाचारी थे जिन्होंने इसको बनने दिया, और अब ऐसा क्या हुआ जो एकम एक इस पूरी कॉलोनी को तबाह कर दिया गया, 80 मकान पूरी तरह से तोड़ दिए गए, महिलाएं अब शौचालय कहाँ जाएंगी ये एक बड़ा सवाल है, बच्चे जो हैं वो शौचालय कहाँ जाएंगे, कई बीमार जो हैं वो रहते हैं इस मोहल्ले में वो शौचालय कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। पीने के पानी के कनेक्शन कई लोगों के टूट चुके हैं तो ये एक बड़ी समस्या है। और पूरी सुभाष कॉलोनी मैं कहूँगा लगभग 80 घर हैं जिनको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है, उनके जो शौचालय हैं उनको तबाह कर दिया गया है जो बाहर बने हुए थे, अगर ये अवैध थे तो प्रशासन ने इनको बनने क्यों दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से यहाँ लोगों को राउंड अप किया गया, जिस तरीके से ट्रैप आउट किया गया, तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो क्यों ऐसा किया गया। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जो है वो हमें ज़रूर दीजिए।